तो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं नोनो रिटेल एनवन चैनल पर आप लोगों का एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ जियो का न्यू एमएनबी कमीशन बताने वाला हूं, जो कि एक दो एफआरसी का नहीं, पूरा सात जियो का बेस्ट एफआरसी का कमीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एमएनबी कमीशन बताऊंगा। एमएनबी मतलब पोर्ट जिसको आप बोल सकते हो, उसका कमीशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में अगर आप न्यू एक्टिवेशन का कमीशन अभी तक नहीं जानते हो, आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए पिछले वीडियो का हमारा चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा या वीडियो के एंड पर या आई बटन पर भी आप लोग मिल जाएगा। आप लोग जियो का न्यू जो सिम एक्टिवेशन एफआरसी ओटीए देख सकते हो, मतलब कमीशन आप देख सकते हो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो एमएनबी का कमीशन 239 रुपीस का जो एफआरसी प्लान है ना, इसको लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये सबसे पहली बात तो देखो, जियो का बहुत सारा पैक है एफआरसी पैक, जिसको हम जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आते हैं, हम उसको पोर्ट करते हैं, उसका एयरटेल या जियो जो भी सिम रहते हैं, उसको हम जब भी जियो में पोर्ट करते हैं, तो जब भी उसका सिम चालू हो जाते हैं, हमको रिचार्ज करना पड़ता है। मतलब जब भी हम उसका सिम को पोर्ट करते हैं, तो उस टाइम हमें एक पैक सिलेक्ट करना पड़ता है, जो इसको बोलते हैं हम फास्ट रिचार्ज पैक। फास्ट रिचार्ज पैक जो फर्स्ट टाइम के लिए जो रिचार्ज होते हैं, जिसको हम एफआरसी भी बोलते हैं। तो ये जो एफआरसी अलग अलग एफआरसी है, और अलग अलग एफआरसी के लिए अलग अलग कमीशन भी दिया गया, जिसको हम ओटीए बोलते हैं। तो इस अलग अलग एफआरसी एंड अलग अलग एफआरसी के कमीशन आज मैं आप लोगों को डिटेल्स पर बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अगर आप एक जियो का रिटेलर हो या रिटेलर बनना चाहते हो, तो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमीशन को लेकर और इंटरेस्टिंग पैक को लेकर। तो हमारा फर्स्ट जो एफआरसी प्लान है वो 155 रुपीस का प्लान है, और जो 155 रुपीस का प्लान है, इसके लिए आप लोगों को प्राइम भी लगते हैं। प्राइम मतलब 99 रुपीस ज्यादा, जो भी आपका प्लान उसके साथ 99 रुपीस और जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो पैक, इसको अगर किसी सिम पर पोर्ट करते टाइम इस पैक को सिलेक्ट करोगे, तो जब भी सिम कस्टमर का चालू हो जाएगा, कस्टमर का सिम जब भी चालू हो जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर जो कमीशन मिलेगा वो ओनली 58 रुपीस का कमीशन मिलेगा अभी के टाइम पर। उसके बाद आ जाते जो दूसरा वाला एफआरसी प्लान, वो भी प्लान बहुत बढ़िया है, 199 रुपीस का, जिसके साथ भी प्राइम लगता है, और जो प्राइम आप लोगों को 99 रुपीस जोड़ना पड़ेगा 199 के साथ, तो टोटल 298 रुपीस हो जाते। तो इसको अगर आप लोग सिलेक्ट करते हो, तो आप लोग यहाँ पर जो आपको कमीशन मिलेगा, वो कमीशन मिलेगा 178 रुपीस। कमीशन ठीक ठाक है, पर प्राइम लग जाते, तो इसको मैं रिकमेंड आप लोगों को नहीं करूंगा। वीडियो के एंड पर मैं आप लोग जो बेस्ट एफआरसी प्लान, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो को सिर्फ एंड तक जरूर देखना। उसके बाद हमारे तीसरे नंबर पर जो एफआरसी प्लान आ जाते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन एक एफआरसी प्लान है, जो प्लान है 719 रुपीस का, 719 रुपीस का जो प्लान है, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर तो नहीं करते, बट एक बेहतरीन प्लान है, बहुत सारे लोग डिमांड करते, तो आप उसके साथ जा सकते हो, बट उतना कुछ खास नहीं। आप लोग वीडियो को देखते रहो, बेस्ट प्लान मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस प्लान को अगर आप लोग एमएनपी करते हो इस प्लान को देकर, तो आप लोगों को कमीशन मिलेगा ओनली 178 रुपीस का, मतलब 178 रुपीस का आप लोगों को यहाँ पर भी कमीशन मिलेगा, मतलब आपको ओटीएम मिलेगा। तो इसके बाद जो हमारा आ जाते हैं, जो चौथा नंबर पर फोन नंबर पर आ जाते हैं, जो कि 125 रुपीस, 152 रुपीस, 186 रुपीस, 222, 222 रुपीस, ये जो जियो फोन का जो प्लान आ जाते हैं, इसमें अगर आप लोग एमएनपी करते हो जियो फोन के लिए, तो आप लोगों को बहुत ही एक घटिया सा ओटीएम मिलेगा, कमीशन मिलेगा, जो कि 25 रुपीस। तो आपके पास जियो फोन है, जो भी फोन है, इस पैक को बिल्कुल भी मत करना, मैं आप लोगों को गारंटी से बात करूं, इसको बिल्कुल भी मत सिलेक्ट करना, बट मैं आप लोगों का साथ बताने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं इसको इंक्लूड किया। उसके बाद हम लोग जो आ जाते हैं पांचवें नंबर पर, वो बहुत ही बेहतरीन से एक पैक है, 149 रुपीस का है, 179 रुपीस का है, 209 रुपीस का है। इस प्लान को अगर आप लोग किसी टाइम सिलेक्ट करते हो, तो आप लोगों को 100 रुपीस का ओटीएम मिलेगा, जो कि उतना कुछ खास नहीं है, बट इसके बाद जो आ जाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, 249 रुपीस का। 249 रुपीस अगर आप लोग पैक सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आपको जो ओटीएम मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन ओटीएम मिलते हैं, 220 रुपीस का। बट ये भी मैं आप लोगों को प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि बेस्ट जो एफआरसी प्लान है जियो का 2023-2022 पर भी थी, 2023 पर भी जो है 239 रुपीस का, क्योंकि 239 रुपीस न्यू सिम पर भी बहुत बेहतरीन कमीशन मिलती, और जो एमएनपी होता है यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन कमीशन मिलती। एमएनपी पर अभी के टाइम पर कमीशन 220 रुपीस का आते, आप लोग 300 लाइव साइट पर देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 206 रुपीस का ओटीए बारे, बट मैंने जब चेक किया, इसको खुद चेक किया, तो यहाँ पर देख सकते हो आज सिम चालू हुआ है सिम, तो यहाँ पर मेरे को 220 रुपीस का ओटीए मिला, जो कि पहले यही मिलता था। तो यहाँ पर कुछ अपडेट अभी नहीं किया गया, बट एक अभी भी अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि न्यू सिम एक्टिवेशन पर पहले जियो की तरफ से 143 रुपीस का कमीशन मिलता था, बट अभी ओनली 129 रुपीस का मिले, तो न्यू एक्टिवेशन का कमीशन कम किया गया, तो एमएनपी कमीशन भी कम मतलब करेगा, बट अभी कंपटीशन का थोड़ा सा मार्केट है, तो इसलिए एमएनपी को अभी कुछ दिन तो लगते रहेगा। बट जिस ये जो कमीशन है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है इनके अंदर ये है, बाकी लगभग सेम कमीशन रहेगा सभी डिस्ट्रीब्यूटर एंड सभी रिटेलर लोगों के लिए। फिर भी आप लोग एक बार जब एक्टिवेशन एमएनपी करोगे,
तो ये जो चेक आपने कर लिया ये डिस्ट्रीब्यूटर से एक बार जरूर पूछ लेना, हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर किसी टाइम अपडेट हो जाते तो मैं इंस्टेंट वहां पर अपडेट दे दूंगा कि हाँ कमीशन चेंज हो गए। आप न्यू सिम सेल करो, जियो सिम सेल, जियो फोन के लिए सिम सेल करो, MNP करो, 239 रुपये से करना, क्योंकि एक बेस्ट है, यहाँ पर कमीशन अभी भी 220 है। तो जो भी डिटेल्स था शायद मैंने बताया कुछ मिस हो गया तो माफ करते हैं। आज के लिए नहीं, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।